यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे डायरेक्ट अपन, यूनिट नंबर 1 और 2, 1 और 2 अपन ने पढ़ा, उसके जो क्वेश्चन है वो तो अपन अलग से सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी कहानी समझते हैं, और अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, एक बार रिवीजन करेंगे तो सब हो जाएगा। डायरेक्ट बाइंड लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। बाइंड सिस्टम, इसको ही तो पढ़ना है अपने को। देखो किंगशिप, कास्ट और क्लास, सिलेबस में देखें तो अपने को आज विवाह पढ़ना है। विवाह कैसे होता था पहले, विवाह के जो टाइप्स थे, यानी कि जो अपन मैरिज करते हैं ना आज, कुछ लोग मंदिर से करते हैं, कुछ लोग बारात से करते हैं, कुछ लोग लव मैरिज करते हैं, कुछ लोग अरेंज मैरिज करते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती भी शादी करते हैं, तो ऐसे मतलब क्लास में बांटा था उसको। कास्ट के ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जितना अपने को सिलेबस में दिया है, और बाइंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में दिया है। उसके बाद अपने को महाभारत के संकलन के बारे में पढ़ना है कि उसको कैसे कंपाइल किया उस टाइम पे, महाभारत लिखने की शुरुआत, और फिर आधुनिक काल में महाभारत जो ग्रंथ है उसमें कैसे बदलाव किए वो अपन पढ़ेंगे। महाभारत के बहुत सारे अपने को ऐसे तथ्य दिए हैं, जैसे कि एकलव्य वाला तथ्य, खैर अपन ने सीरियल देखा तो अपने को सब मालूम है कि एकलव्य के साथ क्या हुआ था। उसके बाद हिडिंबा और भीम, इनका जो लव मैरिज वाला रिलेशनशिप था उसके बारे में दिया है, कैसे मुलाकात हुई और उसकी माँ से उसने क्या बोला। ठीक है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा निकाला है बाहर, और महाभारत में विवाह पद्धति, कास्ट सिस्टम और बाइंड, इसको बताने की कोशिश उनने की है। ठीक, तो अपन पढ़ते हैं, तो क्लास से शुरू करते हैं अपन, बाइंड सिस्टम से। सबसे पहले बाइंड सिस्टम आया था तो वहीं से पढ़ते हैं ना। देखो, अगर अपन बात करें बाइंड सिस्टम की, तो अपन ने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था सोसाइटी में, मतलब जो समाज था, समाज मतलब एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके बीच में रहन सहन कैसा है, खाते पीते क्या हैं, पहनते क्या हैं, ओढ़ते क्या हैं, है ना, इस सब को बोलते हैं समाज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो ये नहीं था बर्ण सिस्टम, जिसमें ब्राह्मण, बेश, क्षत्रिय और शूद्र, ये चार प्रकार के लोग होते हैं, ये नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपन ने पढ़ा है। लेकिन अपन ने पढ़ा कि जब आर्य भारत में आए और उनका एक ग्रंथ मिलता है अपने को, क्या, ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है विश्व का, इस पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ, लिखित ग्रंथ, ज्ञात ग्रंथ कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद। और इसकी डेटिंग होती है कार्बन डेटिंग से, कार्बन डेटिंग करते हैं ना, अभी जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का जो केस आया था तो उसमें एएसआई को बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा कि आप उसकी कार्बन डेटिंग करवाओ, है ना, मतलब उसकी टाइमिंग निकालो। तो ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है अपने पास, और ये आर्यों की है। पहले इसमें 3 अध्याय थे, अभी क्या क्या है ऋग्वेद में, 10 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं। ऋग्वेद क्या है, एक ग्रंथ है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद। 4 में से 1 वेद है ऋग्वेद, जो सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। इसी में से कुछ मंत्र निकाल के सामवेद को बनाया, फिर कुछ मंत्र निकाल के यजुर्वेद को बनाया, आखिरी में भूत प्रेत जादू टोना और ये सब करने वाला लास्ट वाला ग्रंथ बना अथर्ववेद। जो तुम जितनी भी तांत्रिक पूजा करवाते हो ना, सब अथर्ववेद की पूजा रहती है। जितने भी अपन तावीज पहनते हैं ये सब काय में है, अथर्ववेद में, जितने भी तावीज बनाने का, उसमें लिखा है कि भूत को भगाना ये तावीज पहनो, बीमारी भगाना ये तावीज पहनो, वो तावीज पहनो, उसमें लिखा है। तो उसमें क्या है, अभी 10 चैप्टर्स हैं, पहले कितने थे, 3 थे मात्र। जिनको लिखने वाले कौन है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, और जो ऋषि भारत में आए थे किनके साथ, आर्यों के साथ, वो लोग इसके राइटर्स हैं। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि ये मतलब किसी ने लिखा नहीं है, ये प्राकृतिक है,
कुछ लोग कहते हैं ईश्वर ये है, मतलब ईश्वर ने लिखे हैं, ब्रह्मा ने लिखे हैं, लेकिन जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें पहली पेज पे लिखा होता है कि ये विश्वामित्र ने लिखा है, ये वशिष्ठ ने लिखा है, ये इस ऋषि ने लिखा है ना। तो इसमें 10 चैप्टर्स हैं, इसमें 128 मंत्र हैं या सूक्त हैं, 128 सूक्त, मंत्र 10,462 हैं। 462 क्या है? मंत्र। ये अपन जो मंत्र बोलते हैं ना, वैदिक पूजा होती है, अपन जैसे कथा करवाते हैं तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनाते हैं पंडित जी, वो वैदिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नवग्रह बनाते हैं और दुनिया भर के चीज़ें रखते हैं उसके ऊपर, सुपाड़ी उपाड़ी, ये सब क्या है? ये वैदिक पूजा है। तो 10,462 मंत्र, 10,28 सूक्त हैं, ठीक। अब क्या हुआ कि ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 के बीच का, ये ऋग्वेद का टाइम पीरियड है, और 1000 से 600 के बीच में बाकी के तीन वेद लिखे गए अपने, है ना। तो ऋग्वेद जब शुरुआती ग्रंथ था, मतलब जब ऋग्वेद ऋग्वेद लिखा गया था, तो इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं थी, ना तो इसमें कास्ट सिस्टम की बात, ना तो इसमें वर्ण व्यवस्था की बात, स्टार्टिंग की बात है ये। जबकि ऋग्वेद में जो दर्शन है बहुत गहरा है, जो फिलोसफी है ऋग्वेद में, कि एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, के ईश्वर एक है, नातस्य प्रतिमास्ति, के ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, मूर्ति पूजा की भी कोई बात नहीं है, और इसमें यह भी लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव प्राणी, ये क्या है? पृथ्वी की संतान है, यानी कि पृथ्वी जो है माता है सभी की, और जो तुम हो वही मैं हूं, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ऐसी ऐसी गहरी बातें ऋग्वेद में है, स्टार्टिंग के ऋग्वेद में। जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः, वो भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जिसे किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है, याद रहे, ताकि कहानी याद रहे। ऋग्वेद में घोड़ों की बलि की बात है, बाद के मंडलों में मिलती है, पहले के मंडलों में नहीं मिलती, जो पहले लिखे गए थे चैप्टर्स उसमें नहीं मिलता, बाद में मिलता है कि घोड़ों की बलि की बात है। एक पूरा मंडल नौवा वो है सोमरस को समर्पित, सोमरस मतलब नशीला एक पदार्थ, जो सबसे पहले कहाँ मिलता है? रूस के थोड़े से आगे एक जगह है, वहां के एक चर्च में मिलता है सोमरस, सबसे पहले वहीं मिला था। इसके हिसाब से एक इतिहासकार ने कहा था कि आर्य कहाँ से आए होंगे? रशिया के आसपास से आए होंगे, क्योंकि इसमें जो सोमरस का अपने को वर्णन मिलता है, मेंशन है इसमें, तो वो कहाँ मिला अपने को? रूस में। और वही की वही चीज़ कहाँ मिल रही है अपने को? ऋग्वेद में। तो ये कहते हैं कि इनका और इनका मैचिंग है, इसलिए वो कहाँ से आए होंगे? रूस के आसपास से आए होंगे, है ना। तो ये ऋग्वेद का बेसिक स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग में कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। फिर क्या हुआ, 10वें मंडल में जो 10th चैप्टर है, इसमें एक सूक्त मिलता है जिसे अपन बोलते हैं पुरुष सूक्त। डायरेक्ट पेपर में पुरुष सूक्त ही लिखना है, ये नहीं मेन सूक्त, ऐसा नहीं लिखना है, पुरुष सूक्त, और इंग्लिश में लिखना है, अपन इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में लिखना, हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये बताया गया है कि एक विशाल व्यक्ति है जिसके मुख से ब्रह्मा का जन्म हुआ, ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, जिसके बाजुओं से मतलब हाथों से क्षत्रियों का जन्म हुआ है, जिसके जंघाओं से मतलब थाइस से वेश्याओं का जन्म हुआ है, और जिसके पैर के तलवों से किसका जन्म हुआ है? शूद्रों का। और ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, काय पर? कर्म पर। एक पुरुष है जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश, शूद्र का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। पूछा जाता है भाई लोगों से कि मतलब ये लोग भी सोचते हैं कि यार ये दुनिया क्या है, क्यों बनी है, हम क्या हैं, मैं कौन हूं, और ये किसने बनाई होगी दुनिया, तो ये भी सोचते हैं। तो
इन्होंने क्या सोचा है कि एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, जैसे कभी कभी सीरियल्स में भगवान विष्णु बताते हैं, अगर आप सीरियल्स देखो तो, कभी कभी ब्रह्मा बताते हैं, कभी कभी शिव बताते हैं, कभी कभी दुर्गा बताते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का जन्म हुआ है, और ये किस पर आधारित है व्यवस्था? कर्म पर। कर्म या व्यवसाय, यानी कि जैसा काम करोगे, जैसा कर्म करोगे, वैसा ही आपका वर्ण होगा। अगर आप लोगों को पढ़ाते हो, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो ब्राह्मण है। किसी को मारने पीटने लग जाए तो क्षत्रिय है। कल को दुकान डालने पान की तो क्या बन जाएंगे? बेस। और मान लो आइए सब सर बन गए तो क्या बन जाएंगे? शूद्र। ऐसे व्यवस्था बदल सकती थी काम के हिसाब से। जन्म पे आधारित नहीं था कि तुम ब्राह्मण खानदान में पैदा होगे तो ब्राह्मण बन जाओगे, शूद्र खानदान में पैदा होगे तो शूद्र बन जाओगे, क्षत्रिय में पैदा होगा तो क्षत्रिय बन जाओगे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। क्या होता था, ये चेंज होते रहता था। अभी महाभारत में ये सुना है कभी कि युधिष्ठिर के आगे क्षत्रिय लगा हो और उसका एक सरनेम लिखा हो? नहीं सुना होगा। युधिष्ठिर नाम है केवल। अर्जुन के नाम के आगे कोई सरनेम सुना कभी कि अर्जुन कुमार रावत या अर्जुन कुमार राजपूत? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि उस समय कास्ट नहीं बनी थी, वर्ण सिस्टम बन गया था। इसलिए अपन सुनते हैं महाभारत या रामायण में सीरियल्स में, तो वो क्या कहता है अपने आप को? अर्जुन के हम क्षत्रिय हैं। एकलव्य को विश्वम, ये द्रोणाचार्य ने जो गुरु मान रहा था, वो गया था किसके पास? अपने द्रोणाचार्य के पास। कौन? एकलव्य। कि भाई मेरे को शिक्षा दो, मैं भी धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि मैं केवल क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ और ब्राह्मणों को, और क्योंकि तुम शूद्र हो, मतलब निषाद है वो, आदिवासी, तो उसको मना कर दिया था। नहीं तो वो सबसे महान क्या था? धनुर्धारी था, तीर कमान चलाने वाला। तो इसकी कहानी भी दी है अपने पास। तो वर्ण सिस्टम कैसे बना? ऋग्वेद के 10 नंबर का जो चैप्टर है, 10वां अध्याय है। जैसे अपनी किताब में 10, अभी कितने अध्याय हैं, कितनी यूनिट्स, ऐसे 10वें नंबर की यूनिट में मिलता है। तो पहली बार वर्ण सिस्टम की बात कब आई? ऋग्वेद के 10वें मंडल में आई, याद रखना। अब इसके बाद देखो क्या हुआ। 1000 से 600 BC के बीच की बात है कि ब्राह्मणों को अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध करना था कि हम सबसे महान हैं। तो उन्होंने क्या करा, वेद के इस सिस्टम में चेंज कर दिया, कर्म की जगह यहां पर कुछ नहीं, जन्म जोड़ दिया। कई सारे धर्मशास्त्र लिखे गए, जैसे मनुस्मृति, जिसको अंबेडकर साहब ने जलाया था, मनुस्मृति में, और कई सारे धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र लिखे गए, कई सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिनमें वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बताया, जैसे मनुस्मृति और धर्म सूत्र। ये क्या है? ये हिंदू धर्म के विधि ग्रंथ हैं, मतलब जो कानून है कि कानून कैसे चलेगा चारों वर्णों के बीच, ब्राह्मण क्या करेंगे, क्षत्रिय क्या करेंगे, शूद्र क्या करेंगे, इसके बारे में उनने लिखा कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, और अगर आप इसके विपरीत जाओगे तो आपको सजा मिलेगी। ये किसने किया? मनुस्मृति में हुआ, और कई सारे ग्रंथों में, पुराणों में देखने को मिलता है अपने को। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जब तक ये व्यवस्था कर्म आधारित थी तो ठीक थी, कोई समस्या नहीं थी, और किसी के साथ कोई भेदभाव भी नहीं होता था, सब पढ़ लिख सकते थे। जैसे अगर एक ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, दुनिया में जो सबसे पहला ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया वो एक शूद्र व्यक्ति ने लिखा। रामायण शूद्र व्यक्ति ने लिखी, महाभारत शूद्र व्यक्ति ने लिखी, कई सारे ग्रंथ लिखे। और हमने देखा कि आगे चल के कितने सारे महान राजा आए, चंद्रगुप्त मौर्य आया, अशोक आए, तो डिस्क्रिमिनेशन इतना नहीं था। लेकिन जब इसको जन्म आधारित कर दिया गया तो ब्राह्मण का बेटा क्या बनेगा? ब्राह्मण। क्षत्रिय का बेटा क्या बनेगा? क्षत्रिय। शूद्र का बेटा क्या बनेगा? शूद्र। तो ये सिस्टम आ गया। इसके पीछे बहुत सारी लड़ाई हुई, कई सारे लोगों ने मना करा कि ये गलत है। सबसे पहले आवाज उठाई क्षत्रियों ने। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने एक सिस्टम बना दिया कि ब्राह्मण ज्ञान देंगे, दान लेंगे, तो क्षत्रियों के ऊपर थोप दिया कि ये दान देंगे,
तो अब इनको इनको दान देना पड़ता है, इनने इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया वेश्यों के ऊपर। भाई जब ये पुरोहित है इसने इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया और ये राजा है, तो राजा क्या करेगी, जो अमीर लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं उद्योगपति हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे, और इनने इनको परेशान करना शुरू कर दिया क्योंकि ये इनके और इनके पास काम करते थे। फिर इनसे पूरे अधिकार छीन लिए, ना ये पूजा पाठ कर सकते हैं, ये यज्ञ नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, इनको कोई अधिकार नहीं बचा इनके पास, पढ़ लिख नहीं सकते, तो इनके तो बुरे दिन चालू हो गए, और इनके बुरे दिन चालू हुए तो इनके और इनके भी हो गए। तो ये तीनों मिलके इनका विरोध करने लगे, कहते तुमने ये जो व्यवस्था बनाई है इसको ख़त्म करो, ये सुधारने को तैयार नहीं, ये किताब पे किताब लिखे जा रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे ब्राह्मणों को परेशान करोगे तो नरक में जाओगे, ब्राह्मणों को ऐसा करोगे तो तुम्हें भगवान ऐसा करेगा, तो आदमी डरता भी उस टाइम भगवान के नाम से बहुत, तो इनको बहुत डरा है। फिर इसीलिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गौतम बुद्ध ने, महावीर ने, और इस व्यवस्था को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ये व्यवस्था ख़त्म नहीं हुई, बहुत लड़ाई चली। तो ऐसे करके क्या बने, हमारे वर्ण बने, ऐसे करके क्लासेस बन गई। ये सोसाइटी के क्या हो गए, पार्ट्स हो गए चार। एक सोसाइटी का पार्ट क्या हो गया, ब्राह्मण, आज भी लड़ाई चलती है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आज भी इनके बीच में लड़ाई चलती है, सब अलग अलग बटे हुए हैं, है ना। आगे क्या हुआ, सातवाहन के बारे में पढ़ा हमने, सातवाहन राजा इतने महान राजा हैं कि क्या बताएं, वो क्या कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, सबसे महान ब्राह्मण, और उत्तर भारत के जो ब्राह्मण हैं उनको ब्राह्मण मानते नहीं थे वो, लेकिन जो गोत्र सिस्टम था हिंदू धर्म के हिसाब से, ब्राह्मण धर्म के हिसाब से, आप एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते, गोत्र मिलते हैं तो आप विवाह नहीं कर सकते। तो जो सातवाहन ब्राह्मण थे ये जानबूझ के अंतर जातीय विवाह से शादी करते थे, मतलब अंतर गोत्रीय विवाह करते थे ये लोग। भाई हिंदू धर्म के हिसाब से आप एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग एक ही गोत्र में शादी करते थे क्योंकि एक ही गोत्र के लोग सगे भाई बहन माने जाते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, लेकिन ये एक ही गोत्र में शादी करते थे, तो ये अपने आप को ब्राह्मण बड़ा बोलते थे सातवाहन, लेकिन हिंदू धर्म के नियम और शास्त्रों का पालन नहीं करते थे, इसलिए उत्तर भारत के लोगों ने इनको निम्न कुल का ब्राह्मण बोलना शुरू कर दिया था सातवाहनों। तो अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सामंत व्यवस्था जब आई, फ्यूडल सिस्टम आया, जब फ्यूडल सिस्टम में क्या था कि एक व्यक्ति को सर राजा क्या करता था, थोड़ी सी जमीन दे देता था, वहां पे वो क्या करता था, जमींदारी करता था, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था और खुद बीच में कमीशन का आता था। तो ऐसे करके क्या हुआ कि ये व्यवस्था आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे बड़े बड़े जमींदार आने लगे। पुरानी पिक्चर देखी ना अमरीश पुरी वाली, वैसे ही। अब क्या हुआ कि आगे जब सिस्टम आया तो करेंसी खत्म हो गई, फिर मतलब मुद्राएं छपनी बंद हो गई, जो कॉइन्स बनते थे वो बंद ही हो गए, कॉइन्स ही नहीं, कॉइन्स नहीं है तो काम के बदले आप किसी को क्या दोगे। भाई आपने मान लो चावल लिया किसान से, तो चावल को, चावल के बदले किसान को क्या दोगे, आपके पास है ही नहीं कॉइन्स, तो कॉइन्स बनाने ही बंद हो गए। अब राजा ने क्या किया, काम के बदले काम देना शुरू कर दिया, और काम के बदले अनाज देना, काम के बदले अपने जो काम करवाने वाले व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं उनको भी काम देना। तो मान लो एक व्यक्ति राजा के पास काम करता है कपड़े धोने के, राजा के पास क्या काम करता है, कपड़े धोने का, तो राजा के पास देने के लिए कुछ है नहीं, पॉइंट्स तो है नहीं, तो राजा क्या करेगा, इसके लड़के को भी नौकरी देगा उसके बदले में, उसके पोते को भी देगा, ये सब क्या करेगा, वो वादा करेगा कि देखो आज तुम हमारे पास काम कर रहे हो, कल हम तुम्हारे लड़के को काम देंगे, परसों तुम्हारे पोते को काम देंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम हमारे पास काम करना। तो इसका तो पूरा खानदान क्या बन गया, धोबी, तो एक जात बन गई, कौन सी, धोबी। अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हिंदू धर्म की इस व्यवस्था से बाहर रखा गया,
जिन्हें चांडाल या अनारे कहा जाता था, या अस्पृश्य लोग जिनसे छुआछूत की जाती थी। मनुस्मृति में इन लोगों के बारे में लिखा है कि इनको गांव के बाहर रहना है, झूठे और टूटे बर्तनों में खाना है, ये राज्य में चल नहीं सकते, इनका आना मना है, ये मनुस्मृति में लिखा है। इसलिए अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, ये गांव में आ नहीं सकते थे, इनसे कोई किसी प्रकार का कॉन्टेक्ट नहीं रख सकता। इनके साथ जो व्यवहार हुआ वो एक जानवर के साथ भी नहीं हुआ होगा भारतीय इतिहास में, इतना खराब व्यवहार किया है इनके साथ। इनको कोई भी अधिकार नहीं है, ये किसी के सामने तक नहीं आ सकते। ये मान लो किसी ब्राह्मण के सामने आ गई या किसी क्षत्रिय के, तो इनको सजाए मौत है। अपनी एनसीईआरटी में दिया है एक रानी के बारे में कि जिनके सामने एक चांडाल आ गया था तो उसको लोगों ने बहुत मारा था कि तू सामने ही क्यों आया, रानी ने अपनी जाके आंखें धोई। तो मनुस्मृति को जलाना फिर स्वाभाविक है कि नहीं अम्बेडकर द्वारा, इसलिए जलाते हैं लोग। तो इनके साथ ऐसी व्यवस्था थी। अब हुआ क्या कि ब्राह्मण तो गाय खाते थे, ये विवेकानंद ने बोला है, और एक बी एल मित्र नाम के इतिहासकार है जिन्होंने भारतीय इतिहास को सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था सही तरीके से आधुनिक काल में, बी एल मित्र, उन्होंने भी लिखा कि प्राचीन भारत में गाय गोमांस खाते थे, प्राचीन भारत में ब्राह्मण गोमांस खाते थे, क्षत्रिय भी खाते थे। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी चंबल नदी है, चंबल नदी पता है कैसे बनी, चंबल उसका नाम है चर्मावती नदी, पुराना चर्मा मतलब चर्म मतलब अपनी चमड़ी। एक राजा थे महाभारत में उल्लेख मिलता है, दंती दुर्ग ऐसा कुछ नाम था उनका, उनके इधर ब्राह्मण आए थे तो उनके स्वागत में हजारों गाय कटवाई थी, हजारों लाखों करोड़ों गाय ऐसा उल्लेख मिलता है। तो उससे क्या हुआ है, चंबल नदी बनी है, खून से बनी है वो नदी, गाय के खून से, इसलिए उसको चर्मावती नदी या चंबल नदी बोलते हैं। तो अब उसको वो खाया गाय को, और खाने के बाद कहाँ फेंकेंगे, खाने के बाद फेंकेंगे वो कहीं भी फेंक देंगे, नदी में फेंक देंगे वो, नहीं तो खुद नहीं फेंकेंगे तो किनको बुलाएंगे इनको, क्योंकि इनको क्या बोला है, झूठा खाना है, झूठे बर्तनों में खाना है, और जानवर मरेंगे तो कौन लेके जाएंगे, ये लोग, जैसे अभी मेहतर कास्ट के लोग करते हैं, जानवर मरता है गंदगी साफ करना तो वो करेंगे, जबकि उनको खुद को नहीं मालूम उनका हिस्ट्री क्या है, तो ये लोग उठा के ले जाएंगे। और ये उठा के ले जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, चमड़ी उतारते हैं ये लोग जानवरों की, तो इनको कहा जाता है चमार। ऐसे करके एक और कास्ट बने चमार, पहले इनको चम्रकार बोलते थे, ये खुद नहीं खाते थे, जो ये लोग खाते थे इनका फेंका हुआ ये उठाकर ले जाते थे, और जो गाय थी, जैसे बलि दे रहे हैं ये लोग, गाय की बलि देते, पुराने पिक्चरों में देखा होगा गाय भैंस की कुत्ते की जिसकी बलि देना बकरे की, और अभी भी देते हैं, तो इनने उसको फेंक दिया मार के, और नहीं तो खा लिया, तो जो चमड़ी बचती थी ना इसको ये उठा के ले जाते थे और इससे जूते बनाते थे। जूते दुनिया के पहले इंजीनियर माने जाते हैं ये चमड़े के जूते बना देते थे, जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं ना जूते चमड़े के, वो ये बना देते थे। उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी थी इनके पास, तो इनने जूते बनाना स्टार्ट कर दिया, वो जूते बड़े शानदार एकदम लग्जरी, और यही जूते ये लोग पहनते थे, लेकिन इनसे चीत करते हैं, इनसे अस्पृश्यता रखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अनटचेबिलिटी यहीं से शुरू हुई, ऐसे करके कास्ट बनना शुरू हुआ, है ना, आई बात समझ में। अब कास्ट बन गई, ये आ गया अपन, अब आई किंगशिप की बात, यानी बंधुत्व। अब ये कैसे लाएं, चार तरीके के लोग हो चुके हैं देश में, कास्ट बनना शुरू हो गई है, और कास्ट का जन्म किसके कारण हुआ है, इनके कारण, हाँ इस व्यवस्था के कारण कास्ट बनी है। कारण तो खासकर ये लोग हैं, ये कारण नहीं, ये विरोधी थे। गौतम बुद्ध
गौतम बुद्ध जो थे वर्ण से क्षत्रिय थे, उन्होंने विरोध क्यों किया? क्योंकि ये परेशान हो गए दान दे दे के, भूमि दान देना पड़ रहा है, ऊपर से लड़ाई ये लड़े और महान ये कहलाएं, क्योंकि ये जन्म से ब्राह्मण है, तो इनको ये बात सुहाती नहीं थी कि यार हम सब कुछ करें और ये महान कहलाएं, तो इनके बीच में लड़ाई चलती थी, है ना। ये सिस्टम खत्म, ये बन गई जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था बनाने के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। अपन डायरेक्ट ये भी नहीं कह सकते कि ब्राह्मणों ने बनाई, उन्होंने वर्ण सिस्टम बनाया था, वर्ण सिस्टम से बाद में जाके कास्ट सिस्टम बन गया, वर्ण व्यवस्था ही आगे चल के कास्ट सिस्टम में बदल गई। इस समय वुमेन्स का क्या हो रहा है? महिलाओं के अधिकारों की बात करें इस टाइम पे, तो ऋग्वेद में देखें अपन तो आपको बहुत सारी देवियां मिलेंगी। ऋग्वेद में देखें अपन तो आपको बहुत सारे मंत्र लेखिकाएं मिलेंगी, यानी कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने मंत्र लिखना स्टार्ट किया, जो सभी प्रकार के वर्णों से आती हैं, ब्राह्मण से भी आती हैं, क्षत्रिय से भी आती हैं, शूद्र से भी आती हैं और वैश्य से भी आती हैं। तो हर क्लास की महिला है जो ऋग्वेद में मंत्र लिखती है उस टाइम पे, तो इसका मतलब है कि ऋग्वेद में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है महिलाओं के लिए, और वो पूजा पाठ भी करवा रही हैं, प्रश्न भी कर रही हैं। एक पूरा डिबेट मिलता है गार्गी संहिता, जो गार्गी है वो एक ऋषि हैं, उनसे बाद भी बात करती, डिबेट करती है कि बताओ ऐसा क्यों है, दर्शन पे, फिलोसफी पे, किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर रही है, लेकिन बात विवाद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को अधिकार हैं। 5 से ज़्यादा मंत्र लेखिकाएं मिलती हैं, तो वुमेन्स को उस टाइम पर राइट्स थे, लेकिन बात वहीं आती है कि 1000 से 600 BC के बीच में सब बदला है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे शूद्रों के साथ हुआ, सारे अधिकार छीन लिए कि आप पढ़ लिख नहीं सकते, आप किसी अनुष्ठान को नहीं कर सकते, आप रोड पे चल नहीं सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। सेम टू सेम इनके साथ हुआ, महिलाओं के साथ इनको कोई अधिकार नहीं रहे। अब ये बेचारी ना तो ये पूजा पाठ कर सकती हैं, मतलब अनुष्ठान में नहीं जा सकती, जो सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनमें इनको जाने से जाना बंद करवा दिया, सारे अधिकार छीन लिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो विवाह की बात आई, पहले ऋग्वेद में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था, आज भी पवित्र संस्कार मानते हैं, किसको, मैरिज को, लेकिन बाद में मैरिज को क्या माने जाने लगे, कॉन्ट्रैक्ट जैसा, कि लड़की की शादी सिर्फ इसलिए करना है ताकि लड़के का वंश आगे बढ़ सके और उसकी यौन इच्छाएं पूरी हो सके, बस उसकी सेक्सुअल इच्छाएं वो पूरी हो सके, और दूसरी चीज उसकी डायनेस्टी आगे बढ़ सके, बस इन दो चीजों के मारे शादी की जाने लगी। महिलाओं से केवल दो चीज की अपेक्षा की जाती थी, एक पुत्र और एक यौन संबंध। तो ये कब हुआ, 1000 से 620 के बीच में। अभी इन्हीं महिलाओं के साथ 8 प्रकार के विवाह की बात है अपने किताब में, 8 प्रकार के विवाह तो दिए नहीं है, 3 से 4 प्रकार के हैं, अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे है, मतलब इसमें ज़्यादा अपने को डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। एक तो अपने को लव मैरिज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, इस विवाह में क्या होता था। नंबर 2, देवत्व विवाह के बारे में बात है, डायरेक्ट यही लिखा है, अब इंग्लिश में क्या लिखा है ये नहीं पता। नंबर 3, जबरदस्ती वाला विवाह, इसको राक्षस विवाह कहा जाता था। नंबर 4, ये इसको ध्यान रखना, इसको गंधर्व विवाह भी बोलते हैं। और एक है ब्राह्मण विवाह,
इस चार की बात करते हैं अपन। देखो लव मैरिज जो है ये चौथे पांचवें नंबर का विवाह है। नंबर एक पे है ये ब्राह्मण विवाह। इसमें क्या होता है कि जो पिता होता है, बाप होता है लड़की का, वो एक ब्राह्मण को ढूंढेगा, सुशील ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञाता हो, अच्छा आदमी हो, उसको ढूंढेगा और उससे अपने लड़की क्या करेगा, शादी। और शादी करेगा तो उसको क्या देगा, कुछ उपहार, तोहफा, गिफ्ट। गिफ्ट में क्या देगा, दो बैल या गाय और कुछ अनाज। तो उस टाइम पे उसको उपहार बोलते थे, आज दहेज बोलते हैं। दो गाय देगा और कुछ अनाज देगा। आज क्या देते हैं, स्कूटर देते हैं, बाइक देते हैं, कार देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देते हैं। आगे देखा था मैंने, बताया था कि काशी दी थी दहेज में। तो ब्राह्मण विवाह ये एक है। एक है देवत विवाह। देवत विवाह में क्या होता है कि एक सुशील वर ढूंढता है पिता, और वही दो बैल के साथ लड़की को विदा। ब्राह्मण विवाह में ब्राह्मण ढूंढेगा, देवत विवाह में एक अच्छा व्यक्ति ढूंढता है, मतलब देवतुल्य व्यक्ति साहित्यिक भाषा में। एक है जबरदस्ती विवाह, यानी कि राक्षस विवाह। इसमें जो लड़का है वो लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। पिक्चर में देखा होगा, जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं ना, शादी कर लेते हैं। एक वो विवाह है। एक है लव मैरिज, इसको निम्न विवाह माना है, कहते कि ये नीच लोग करते हैं, इसलिए आज भी अपने कल्चर में, इंडियन कल्चर में इसको नीच माना जाता है जो मतलब लव मैरिज कर लेते हैं। वरना यूरोप में ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप में आप धूमधाम से करो, बाप को कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं, करो आप, पैसे मत मांगना बस हमसे। लेकिन भारत में आप ये नहीं कर सकते, ये करोगे फिर आपको लोग क्या कहेंगे, नीच। तो इसको क्या माना है, नीच माना है, निम्न विवाह में आता है। तो ये जो तीन चार विवाह हैं वो उसको श्रेष्ठ माना जाता है और इसको नीच माना जाता है। इसके बाद एक विवाह ये है कि बाप लड़के वालों से दहेज लेके लड़की की शादी करवा देता है। लड़के वालों से पैसे लेके, मान लो मतलब लड़की को बेचना एक तरीके से। तो ये विवाह के बारे में अपनी किताब में है, है ना। अब मैं किताब उठा रहा हूँ, किताब में देखते हैं क्या है। ये बाकी की चीज़ समझ में आई, क्लास, कास्ट और किंगशिप। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये पहले पेज पे पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा क्लास के बारे में बताया है, बहुत कम बताया है, लेकिन पढ़ लेना एक बार। फिर उसके बाद है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ये आधुनिक काल में क्या हुआ था, 1919 के बाद की बात है ना। बीएस सुधांकर, उन्नीस के बाद की बात है। एक टीम बीएस सुधांकर के नेतृत्व में बनी और इस टीम ने क्या करा, 47 वर्षों तक महाभारत को कंपाइल करने की कोशिश की। मतलब जितने भी महाभारत को लेकर जो पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपि मतलब जो मोनो स्क्रिप्ट्स होती हैं, पुरानी स्क्रिप्ट्स, उनको उठाया जितनी मिल रही है। 47 वर्ष तक काम चला है, 47 ईयर्स तक। और उनको उठा के क्या करा, जो महाभारत ग्रंथ था उससे मिलाने की कोशिश की। जो जो मिलते गए कि जो मोनो स्क्रिप्ट्स में लिखा है और जो ग्रंथ में लिखा है, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो नहीं मिल रहा है उसको काटो, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी महाभारत में। जैसे क्लास की बात है और कास्ट की बात है ना, इसलिए उसको कंपाइल करवाया गया। और 100,000 से ज़्यादा मतलब वो क्या कहते हैं, श्लोक, बढ़ती गई संख्या, संख्या कम होने का नाम ना ले। 100,000 से ज़्यादा श्लोक पहुँच गए। ऋग्वेद में कितने थे, 10,462, ये 100,000 से ज़्यादा पहुँच रहे हैं। इसलिए सबसे लार्जेस्ट ग्रंथ माना जाता है महाभारत, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। ये फिर मैरिज के बारे में दिया है, मैरिज के बारे में अपन ने बात की। किंगशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड क्या लिखा है, वेराई प्रैक्टिसेस। देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें,
ये तो मैंने बता दिया है। ठीक है, जो अपन ने समझा है सब वही है। ये रूल्स ऑफ मैरिज वही, शादी मतलब कैसे क्या करना है। इसमें कन्यादान के बारे में दिया है कि एक वैदिक मंत्र बाद में जोड़ा गया ऋग्वेद में कि कन्या को पिता क्या बोल के दान करता है। जब कन्यादान होता है तो पिता, पंडित जी बोलता है कि लो बेटी का हाथ उसको दो, तो पिता ये बोलता है कि मैं अपनी बेटी को अपनी तरफ से फ्री कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से नहीं कर रहा, पति की तरफ से नहीं कर रहा, और ये आज से उसकी अमानत। ये पिता ऐसा मंत्र में बोलता है, पंडित तो संस्कृत में बोलता है, हिंदी में थोड़ी ना बताते हैं वो, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब रहता है। जब कन्यादान होता है तो लास्ट मंत्र जो रहता है वो ये रहता है कि मैं अपनी बेटी को इस बंदे को सौंप रहा हूँ और अपनी तरफ से फ्री कर रहा हूँ, लेकिन उसकी तरफ से नहीं कर रहा, और उसके लिए वहीं पर एक अच्छे पुत्र या पुत्री की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करवाता है पंडित कि आगे चल के रिप्रोडक्शन हो, मतलब प्रजनन हो, और इसको एक अच्छा लड़का या लड़की पैदा हो। ये वो बोलता है, उसके बारे में बताया है। टाइप्स ऑफ मैरिज ये देखो, एंडोगेमी रेफर्स टू मैरिज विद इन ए यूनिट, दिस कुड बी ए किन ग्रुप, कास्ट और ए ग्रुप। हाँ ये अच्छा याद आया, मुझे बताना भूल गया था। देखो थोड़ा सा और समझना इस चीज को। शादियों के लिए नियम है ना, मैरिज रूल्स। देखो स्टार्टिंग में क्या होता था, अगर महाभारत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे अपने को फैक्ट मिलते हैं कि ब्राह्मण ने क्षत्रिय से शादी कर ली, क्षत्रिय ने शूद्र से शादी कर ली, शूद्र ने वैश्य से शादी कर ली, क्योंकि ये व्यवस्था है ना, इसने पूरे भारतीय समाज को तहस नहस कर दिया, पूरी इंडियन सोसाइटी ख़त्म करके रख दी। भाई इससे पहले तो शादी कैसी है भी हुआ करती थी, मतलब कोई भी किसी से शादी कर सकता है, जब ये सिस्टम नहीं आया था, बस जाके लड़का देखना है शादी करना है। लेकिन जब ये सिस्टम बन गया तो ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करेगा, आज भी होता है, क्षत्रिय क्षत्रिय में शादी करेगा, वैश्य वैश्य में शादी करेगा, शूद्र शूद्र में शादी करेगा, यही होता ना आज। लेकिन जब ये सिस्टम बना और एक व्यवस्था और बनी जिसे गोत्र व्यवस्था कहते हैं, गोत्र सिस्टम। गोत्र का मतलब होता था एक ऐसी जगह जहाँ पे गायों को रखा जाता था, पहले गोत्र का ये मतलब था। ये गोत्र जो अभी तुम मिलवाते हो ना रास भरा गोत्र और ये वो शादी के लिए, पहले इसका क्या मतलब था, एक ऐसी जगह जहाँ गाय रखी जाती हो, सारे समुदायों की सारी कम्युनिटीज एक जगह बना लेती थी कि जहाँ पे अपनी अपनी गाय रखेंगे अपन, उसको बोलते थे गोत्र, इसको बोलते थे गोत्र व्यवस्था। ये नाम का ऐसे पढ़ रहा है गोत्र। बाद में इसको क्या किया, वंश का वो बताने लगे, प्रतीक जो डायनेस्टी उसका सिंबल माने जाने लगा, और कई सारे गोत्र आ गए, जैसे वशिष्ठ गोत्र, विश्वामित्र, भारद्वाज। ये क्या थे, ये ऋषि थे, कहने लगे कि अब हम लोग इस गोत्र के हैं, ब्राह्मण कहने लगे। ऐसे करके ये गोत्र सिस्टम क्या बन गया, ये जो वंश होते हैं, जो डायनेस्टीज होती है, उनके सिंबल्स बन गए, उनके प्रतीक बन गए। अब जैसे कोई वशिष्ठ गोत्र का है, मतलब वो पक्का ब्राह्मण है, कोई आके बोल दे तुम्हारा गोत्र क्या है, उसने कहा विश्वामित्र, मतलब वो क्या है, ब्राह्मण है। किसी ने बोल दिया भारद्वाज, वो क्या है, ब्राह्मण। ऐसे करके 8 मूल गोत्र हुआ करते थे, कितने, 8। अब ये गोत्र भी बन गए, कास्ट भी बन, कास्ट आगे चल के कास्ट भी बन जाएंगी। अब वशिष्ठ गोत्र वाला व्यक्ति विश्वामित्र गोत्र वाले व्यक्ति से शादी करेगा, क्यों, एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते आप, ये हिंदू धर्म का नियम है, आप एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते, ये नियम है। वशिष्ठ वशिष्ठ से शादी नहीं कर सकता,
विश्वामित्र विश्वामित्र वाले गोत्र से शादी नहीं कर सकता। जैसे अभी तुम्हारी शादी हो किसी की, तो तुम्हारा जो गोत्र है, और अगर किसी लड़के से गोत्र मिल गया, सरनेम भी मिल गया, तो भी शादी नहीं करेंगे। क्यों? गोत्र समान है। तो ये एक नहीं करते जो मतलब लव मैरिज है, तो फिर कोई कुछ नहीं देखता और उससे होता भी कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि गोत्र में शादी नहीं करते। ये हिंदू धर्म का नियम, ये धर्मशास्त्र में मिलेगा और मनुस्मृति में। ये कब के ग्रंथ है? 600 BC के बाद के ग्रंथ है ये पूरे। ये इन्हीं ने तो समाज को खराब करा है, भारत को, हिंदू धर्म को इन्हीं ने तो बिगाड़ा है। तो ये एक रूल बन गया, जो इसके बाहर शादी करता है, गोत्र के बाहर, उसको बोलते हैं आउटर गोत्र मैरिज, यानी कि गोत्र से बाहर शादी करना। लेकिन मैंने बताया कि सात वाहन जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, वो जानबूझ के अंतर गोत्रीय विवाह करते थे, यानी इंटर गोत्र मैरिज। यानी वशिष्ठ है तो जाके डायरेक्ट वशिष्ठ गोत्र के व्यक्ति से शादी कर लेना, जबकि हिंदू धर्म के ये क्या है, खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। और वो क्या कहते थे कि उत्तर भारत के ब्राह्मण क्या है, निम्न है, वो ब्राह्मण नहीं है। वो खुद क्या कर रहा है, ब्राह्मण होते हुए धर्म का पालन नहीं कर रहा, इसलिए उत्तर भारत के लोगों ने उसको खुद को निम्न और अब्राह्मण कहना शुरू कर दिया था। ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, इनकी लड़की इनके यहाँ शादी नहीं कर सकती अब, क्योंकि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षत्रिय में शादी करेगा, वैश्य वैश्य में शादी करेगा, शूद्र शूद्र में शादी करेगा। लेकिन कई जगहों पर अपने को देखने को मिलता है कि इन्होंने आपस में शादियाँ की है। जैसे महाभारत में देखने को मिलता है आपको कि जो महाभारत लिखी किसने, वेद व्यास, वेद व्यास ने किसके साथ विवाह किया था, जो पांडु की पत्नी है उसके साथ उसने, मतलब क्या कहते थे यार उसको, बाद में बताऊंगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं यार उसको, जो पांडु की पत्नी थी उसके साथ रिलेशनशिप बना के इनको जन्म दिया था पांचों को, क्योंकि पांडु में वो क्षमता नहीं थी, मतलब उसको प्रजनन करने के लिए वो भाई उसके पास क्षमता नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी। मान लो कोई कारण हो ऐसा, मतलब बीमारी हो उसको कि वो उसको पुत्र नहीं हो सकते, तो ऐसा बताते हैं कि वेद व्यास ने इनके साथ क्या किया था, रिलेशन बना उसकी पत्नी के साथ, और ऐसे करके पांच पांडवों का जन्म हुआ। ये कहानियों में मिलता है, जिससे कौन जन्म लेते हैं, अर्जुन और युधिष्ठिर और अपना भीम, ये चारों पांचों जन्म लेते हैं। तो अपने को देखने को मिलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये आपस में विवाह करते थे। जो भारत में आक्रमणकारी आए, इन्वेडर्स आए, जैसे शक आए, हूण आए, यवन आए, तो इनको ये लोग क्या कहते थे, नीच, क्योंकि ये बाहर से आए, इनको अपवित्र मानते थे, इनको क्या मानते थे, अनटचेबल्स मानते थे, जैसे चांडालों को मानते थे। लेकिन एक राजा है रुद्रदमन, ये शक राजा है, इससे सात वाहनों ने शादी की, इनके यहाँ पे शादी की, किनके यहाँ, रुद्रदमन के यहाँ, क्योंकि ये संस्कृत का प्रकांड पंडित था, संस्कृत को बहुत तेज जानता था, और भारत में पहली बार संस्कृत का जो अभिलेख है, स्क्रिप्ट है, वो इसी ने बनवाया, किसी ने नहीं बनवाया आज तक, किसने बनवाया, इसने। गुजरात में एक नहर बनवाई थी इसने, रुद्रदमन ने। तो ये विवाह के नियम थे, कैसे विवाह होते थे, आउटर गोत्र और इंटर गोत्र, ऐसा समझ में, गोत्र के बाहर और गोत्र के अंदर। शादियों के टाइप्स क्या थे, सात से आठ प्रकार के विवाह हुआ करते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन कई जगह पर अपने को ऐसा मिलता है कि ये विवाह कर सकते थे, है ना। तो आज की क्लास में अपन ने क्या समझ लिया, क्लास, कास्ट और किंगशिप। आगे अपन कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे जो कहानी है उसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो मिलते हैं कल।
मजा। अगली क्लास में देखेंगे क्या पढ़ना है।